भोपाल में अपनी आने वाली एक वेब सीरीज से प्रमोशन के दौरान ब्रा वाले बयान को लेकर अब श्वेता ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में इस पूरे मसले पर अपनी बात रखते हुए कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया है। श्वेता तिवारी ने एक बयान के जरिए कहा, मेरे ध्यान में यह बात आई कि मेरे सहयोगी से जुड़े एक बयान का हवाला देते हुए उसे संदर्भहीन तरीके से पेश किया गया है और उसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है। अगर इसे एक निश्चित संदर्भ में देखें तो समझ आएगा कि मैंने भगवान शब्द का इस्तेमाल सौरभ राज जैन द्वारा निभाए गए भगवान के एक लोकप्रिय किरदार के लिए किया था। लोग अक्सर किसी एक्टर का नाम उसके किरदार से जोड़कर देखते हैं और ऐसे में मैंने मीडिया से बातचीत के दौरान इसी उदाहरण का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात कही थी। श्वेता तिवारी ने आगे कहा, मगर यह बेहद दुखद है कि मेरे बयान का गलत इस्तेमाल किया गया है। मैं खुद ही भगवान में गहरी आस्था रखती हूँ और एक भक्त होने के नाते संभव ही नहीं कि मैं किसी भी तरह से जानबूझकर या फिर अनजाने में भी कोई ऐसी गलती करूँगी जिससे कि भावनाएं आहत हो। श्वेता ने अपने बयान के जरिए कहा, मेरा यकीन कीजिए, न ही मेरे शब्दों से और न ही मेरे एक्शन से किसी की भी भावनाएं आहत करने का मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी अनजाने में लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए मैं पूरी विनम्रता के साथ माफ़ी मांगती हूँ। उल्लेखनीय है कि वेब सीरीज के प्रमोशन के दौरान श्वेता तिवारी ने भगवान को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद विवाद के चलते उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों को देखते रहिए ABP एंटरटेनमेंट।